हेलो जी, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन एवरग्रीन सॉन्ग। अगर आपको इस गाने के नोटेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, द कमलेश मैजिकल की सो पियानो, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर सर्च करके, या जो नीचे लिंक है वहाँ से। तो नॉर्मल आपको ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर स्टडी मटेरियल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सुहाना सफ़र मौसम हसीन इसके नोटेशन आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो, और भी कई सारे गाने के नोटेशन मिल जाएंगे। उसी के साथ स्टोर के ऑप्शन में द मैजिकल कीज पियानो कोर्स, ये है कंप्लीट पियानो कोर्स स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर वाइज लेसन के थ्रू, जो कि काफ़ी आसान तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर एक एक लेसन अगर आप देखें तो कंप्लीट पियानो सीख सकते हैं। उसी के साथ ही ग्रुप में भी एड हो जाते हैं। इस प्रकार से काफ़ी क्वालिटी भरे लेसन है जिसमें शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने पियानो के बारे में सभी चीज़ें चर्चा की हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर वे में है। चैट के ऑप्शन में ऑटोमेटिक आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो, जिसमें वही लोग हैं जो इस मतलब कोर्स में ऐड है। 499 रुपीज़ का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो गो हैड, जाइए और देखिए, और नहीं तो फिर बाद में नोटेशन देख सकते हो और वीडियोस तो हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और अब बढ़ते हैं इस गाने की तरफ और फटाफट सीखते हैं क्विकली कि आप इस प्यारे से गाने को अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने मोबाइल पियानो, अपने हारमोनियम, अपने कीबोर्ड के ऊपर किस तरह प्ले कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाने की जो पहली लाइन है दोस्तों, वो हम सीखेंगे। ये बेसिकली जो दोस्तों गीत है वो मैं प्ले कर रहा हूँ सी शार्प माइनर स्केल के ऊपर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड में आरपी जो मतलब मैं जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसको मैं प्ले कर सकता हूँ, वहाँ पे प्ले कर सकता हूँ ओनली नॉर्मल एकदम सिंपल सा टेक्निक सी शार्प का आरपीजियो, जिसमें मैं यहाँ पे नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ 1 4 1 5 8 5, मतलब सा प सी शार्प जी शार्प सी शार्प जी शार्प, है ना। लेफ्ट में मैं यही प्ले करूँ और फिर कंप्लीट गाने को मैं सीख सकता हूँ। यहाँ से देखें तो, है ना, यहाँ से, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो चलिए इसकी लास्ट में बात करेंगे किस तरीके से आपको सिंक करना है, और तब तक हम इस जो गाने की मेलोडी है उसको सीख लेते हैं आने वाले 2-3 मिनटों में। काफ़ी आसान, जी शार्प से शुरुआत हो रही है यहाँ पे लोअर ऑक्टेव में, है ना। सुहाना सफ़र और ये मौसम मसीन, लोअर ऑक्टेव से हम शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे एक ही मेलोडी में अंतर प्ले होगा। गाने में जितने भी 2 या 3 अंतर हैं वो सभी सेम पैटर्न से प्ले हो गए, ठीक है। जी शार्प से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाने का पहला मतलब गाने की पहली लाइन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सिर्फ 2 लाइन, गाने का मुकड़ा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। यहां से हम प्ले कर रहे हैं सुहाना फिर सफर और ये, फिंगर्स को फॉलो करिएगा साथ साथ में, जो जो शब्द कौन से नोट के ऊपर लग रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते रखते एक छोटे छोटे छुटकी छुटकी आप पार्ट कर दीजिए पूरी लाइन के, पूरे गाने के, और फिर एक एक पार्ट के ऊपर जोर दे दे के सीखिए, आसानी से आप कंप्लीट गाना सीख पाएंगे। फिर से एक बार सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। फिर नेक्स्ट लाइन, यहां से हम जाएंगे सी शार्प के ऊपर, ठीक है। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, ठीक है। अलग अलग पार्ट इसलिए कर रहा हूं, आप एकदम स्लो में बजाइए, फिर धीरे धीरे स्लो में आपकी पकड़ अच्छी तरीके से जम जाएगी, फिर स्पीड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर हम खो न जाए कहीं। अमेजिंग। चलिए अब बढ़ते हैं गाने के अंतर की तरफ, उससे पहले इस वीडियो का एक छोटा सा स्पॉन्सर सेगमेंट। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय रियाज ऐप। रियाज एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप घर बैठे सिंगिंग सीख सकते हो, म्यूजिक सीख सकते हो, और भी कई सारे राग थाट अलंकार और म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए रियाज ऐप। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो अब सीखते हैं, समझते हैं हम इस गाने का अंतरा पाठ।
ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, बहार बेचैन है जिसकी धुन पर, ये कौन छिपता है ओ ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुमनुम कहीं रुम झुम के जैसे नाचे जमी। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। फटाफट स्टेप बाय स्टेप वन फिंगर से इसको देख लेते हैं गाने की। दोस्तों पहली लाइन, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, अंतरी पार्ट की, ठीक। यहाँ पे हम ई नोट से शुरू कर सकते हैं और जो नोटेशन है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वो आप वहाँ पर वहाँ से देख सकते हो। और गाने को सुन के आपको किस तरीके से बजाना है वो आप उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ये कौन हंसता है फूलों में छिप कर, वन मोर टाइम फिर से, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, फिर बाहर बेचैन है जिसकी धुन पर, सेम लाइन रिपीट। इसके बाद में अगली लाइन, ये कहीं गुम गुम, फिर कहीं रुम झुम, फिर से कहीं गुम नुम कहीं रुम झुम के जैसे नाचे जमी। इस लाइन को एक बार फिर से, फिर से हमारी सबसे शुरुआत वाली लाइन रिपीट। और बात रही लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में आपको इस सी शार्प का आरपेजियो बजाते जाना है। एकदम मैच तो नहीं हो रहा बट जो मतलब एक हल्की जो एक अकंपनी है वो ऐड हो जाएगी, तो ये आप सिंक नहीं कर पा रहे तो नॉर्मली आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो, चैनल के ऊपर भी थोड़ी बहुत वीडियोस हैं आरपीजीओ को लेकर, जो अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन वहाँ पे और आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड आपको किस तरह यूज़ करना है, राइट हैंड को दोनों को सिंक किस तरह करना है, और भी कुछ मीठी मीठी चीज़ें। गाने को सीखिए, इन्जॉय करिए और इसी प्रकार से सीखते रहिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कंप्लीट सीखना है तो एक बार लास्ट में फिर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ओके सॉरी, ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।